स्वागत है डीपीपी न्यूज़ से। मैं हूँ अंशुल राजपूत। ये जो गांव है बरूकी गांव में हम लेकर आए हैं, यहां पर चुनाव का क्या माहौल चल रहा है और किसका जोर ज़्यादा है, हम इसी को जानने के लिए यहां पर आए हैं। अनुज राठी भी चुनाव यहां से लड़ रहे हैं जिला पंचायत के वार्ड नंबर 5 से, और ये सिद्धार्थ कुमार उर्फ सिद्धू ये भी कुछ लड़ रहे हैं, और यहाँ पर तमाम प्रत्याशी लड़ रहे हैं। और हम देखिए यहाँ पर जानने के लिए लोगों से फीडबैक कि वो किसको सपोर्ट कर रहे हैं और इस बार क्या है उनका मत, इसको जानने के लिए आज हम इस गांव में आए हैं। लेकिन जो हम तस्वीर देख रहे हैं ये किस तरह से यहाँ पर गंदगी पसरी हुई है और सड़कों का हाल भी हम आपको सीधा दिखा रहे हैं। देखिए ज़बरदस्त आपको हम ये सड़कें दिखा रहे हैं। कहा जाता है कि हम जीतने के बाद तमाम सड़कें सुधरवा देंगे, गंदगी मुक्त हो जाएगा। आपको सीधी तस्वीर दिखा रहे हैं बरूकी में इस वक्त हम मौजूद हैं। ये एक गली है यहाँ पर, किस तरह से देखिए नाली में किस तरह से ये गंदगी पसरी हुई है, कीड़े हो रहे हैं नाली में, बीमारी को न्योता दिया जा रहा है। लेकिन हम एक बात गांव वालों से जानेंगे कि क्या इस गंदगी में वो जीना पसंद कर रहे हैं या उन्होंने शिकायत भी की है कहीं पर, तो क्या इसकी सुनवाई नहीं हो पा रही है। तो हम गांव वालों से जानने की कोशिश करेंगे कि गंदगी में पलना पसंद है या साफ़ सुथरी जगह पर। एक बात बताइए, आपके पास में इतनी ज़्यादा गंदगी है, क्या इसकी शिकायत की है कहीं पर आपने? कोई भी नहीं आता जी, NWD में आ रही है सड़क। किसमें आ रही है? अच्छा, PWD में आ रही है, तो साफ सफाई की व्यवस्था तो देखनी पड़ेगी। कोई भी ना करता। तो आप गए शिकायत लेकर, इसकी कंप्लेन वगैरह कुछ नहीं करी? आपको कोई रोग वगैरह नहीं होता? मच्छर वगैरह पैदा हो रहे हैं? मच्छर तो बतेरे लोगों, नहीं इतनी ज्यादा स्मेल है, बदबू भी है। हाँ। तो कैसे रह रहे हैं आप यहाँ पर? बच्चे रहना ही पड़ो, गरीब आदमी। एक गरीब आदमी तो है, वोट तो देते होंगे आप किसी को? वोट दे जब तक ही करो, वोट की कदर जब तक वोट मिलो नहीं कोई कदर ना करता ही। जब वोट देने जाते हो तो क्या मन में होता है आपके कि कुछ काम होगा या नहीं होगा? रास्ता है नहीं गाँव का। ये कितने दिन से खराब पड़ा है? ये तो बहुत दिनों से, आज तो नहीं काफी दिन हो गए। ये रास्ता कहाँ तक कहाँ जाता है? ये घर तो चला गया उगरा वाला और फतेहपुर खंडसाल नवागा झालू तक चला गया। झालू तक चला गया, मेन सड़क है? हाँ मेन सड़क। ये कब से परेशान, कब से खराब है ये? ये 2 साल से खराब है ऐसी। और ये इतनी गंदगी पड़ी है, नाली फंस रही है। हम सफाई करने वाले भी नहीं आते, कभी कभी आते हैं, कभी घर चले जाते हैं, बस दो चार रहते हैं। चुनाव का क्या माहौल चल रहा है आपके क्षेत्र में? चुनाव का माहौल चल रहा है ऐसे, अभी तो आना जाना शुरू किया है चुनाव वालों। जिला पंचायत प्रधानी का भी है, तो किसको सपोर्ट दे रहे हैं आप? सपोर्ट तो दे रहे हैं। लड़ा वगैरह रहा, खाना बनाओ हम ये वाला स्कूल जो। अच्छा, आप सरकारी स्कूल में हैं? हाँ। तो वहाँ क्या दिक्कत है आपको? बहुत ही परेशान, पानी भरा रहा। शिकायत हुई उसकी कहीं? कई दफा कर दे पुलिस। मास्टर ने शिकायत करनी चाहिए बेचारी, ये तो रोटी बनाने वाली, रोटी बनाने वाले हैं। मास्टर ने शिकायत करती नहीं। कौन सा स्कूल है आपका? ये कन्या पाठशाला, मास्टर ने आगे यहाँ बैठ जाती है, प्राइमरी स्कूल बतेरी करा दे रही है। कोई बच्चे बैठ जाते हैं अपना बस बातें करते रहती है। स्कूल दिखाओ जरा। हाँ इसके लिए भी आओ, हम दिखाए काम कार भी चल गया। गांव में बरूकी में यहाँ पर कह रहे हैं कि कुछ समस्या स्कूल में है, उसको जानने के लिए अब हम आए हैं यहाँ पर। देखते हैं कि क्या दिक्कत है। ये रास्ता जाने का, ये यहाँ पर गंदगी आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर गंदगी पसरी हुई है, और ये पानी भी सड़ रहा है। ये बोल रहे हैं कि पानी सड़ा हुआ है और इसमें मच्छर वगैरह भी खूब हैं। बच्चे आ रहे हैं पढ़ने? बच्चे तो आ रहे हैं। सुंदर स्कूल कहा जाता है कि साफ सुथरा रहे, लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं कि इसकी वो कंप्लेन भी हो चुकी है लेकिन कोई सुधार नहीं किया जा रहा है। आपको सीधा दिखा रहे हैं किस तरह से स्कूल की हालत है। आगे तक 1 किलोमीटर तक ऐसी सारी गंदगी ऐसी हो पड़ी है। दोनों साइड में ऐसी पड़ी हुई है। यहाँ पर कौन घेरते हैं ये? और गांव के ही? हाँ, ये कोई सफाई करने वाले कर्मचारी नहीं आते जल्दी में यहाँ पर। ये फिलहाल सर क्या स्थिति है स्कूल की? जी हाँ जी, क्या कुछ कार्य चल रहा है ये? हाँ जी, ये लेटरिन बाथरूम बननी बच्चों के लिए। अच्छा, और ये नल बिल्कुल सड़ा पड़ा है, इसमें कोई देखभाल नहीं हो रही। अच्छा, ये कौन बनवा रहा है फिलहाल ये? ये तो हमें तो पता नहीं था, हम तो ठेकेदार के अंडर में। ये कब से ऐसी दिक्कत है? ये ना तो सालों हो गया ऐसे ही। सालों हो गया? हाँ। इसकी कोई वो नहीं हो रही ना, समस्या का समाधान नहीं है? कुछ नहीं। शिकायत क्या सब हो गई? शिकायत सब। अच्छा जी, ये नल के वैसे ही रहता? हाँ। देखिए किस तरह से स्कूल,
जी इसका पानी वापसी इसका ऐसे आ रहा होगा। ये देखिए पानी जो है इसका वापस इसमें वापसी जा रहा होगा। लेकिन ये देखिए किस तरह से यहाँ स्कूल में जो व्यवस्था है वो नदारद देखने को मिल रही है। बिजनौर ज़िले में मौजूद हैं ये मोहम्मदपुर देवमल विकास क्षेत्र जनपद बिजनौर उत्तर प्रदेश बरुक्की में ये स्कूल है। और यहाँ पर हम देखिए किस तरह से जो वो हैं व्यवस्था है नदारद है, किस तरह से गंदगी पसरी पड़ी है। यहाँ काम चल रहा है लेकिन जो नल का हाल है वो हम आपको दिखा रहे हैं। जो ये नल है इसका पानी वापस इसके अंदर ही जा रहा है, इस तरह की बात भी कही गई है। और लेकिन इस समस्या का समाधान कोई नहीं निकाल रहा है। इसमें खाना बनावा यो देखो ही खाना बनावा हम लकड़ियों में, जब लकड़ी सिलेंडर ना खत्म हो जाए तो देखो कितनी धूप आ रही बहुत ही फूट रही है। ये चिल्ला बना कहीं वो करते आइयो देखो ये कितनी फूट रही है, सारी छत गिर रही है जी। ये देखिए हम सीधी तस्वीर दिखा रहे हैं इस स्कूल में, ये खिली पड़ी है, कब गिर जाए इसमें दरारें आप साफ देख सकते हैं। प्रशासन एक दिन इतना मोटर डाला मोमडनों ने, इतना मोटर डाला मारा हमारा ये इधर छत पर कूदा बहुत। इसको कोई कुछ कहता नहीं, बतेरा काम है मास्टर ने तो का रिपोर्ट भी कर दी थी बहुत, मास्टर ने तो कुछ हुआ नहीं कुछ भी ना बताओ। वे तो फेरी मार कर चले जाए पुलिस वाले, फेरी मार के जाते हैं अधिकारी नहीं आता कोई आम बतेरा अधिकारी। देखिए यहाँ पर किस तरह से ये समस्याओं से जूझ रहे हैं। यहाँ पर देखिए दीवारें किस तरह से दरारें ये खाई हुई हैं, अब कब गिर जाए कोई भरोसा नहीं है, दीवार कब गिर जाए। और ये नीचे यहाँ खाना बना ये स्कूल में खाना बनाती हैं और इनको भी हाथ कोई हादसा हो जाए तो कौन जिम्मेदार होगा। 1000 अब जाओ हमारे 1500 हैं। अगर ये खाना बनाते समय ये गिर जाता है तो इनको भी बहुत ज़्यादा चोट लग सकती है, जान भी जा सकती है। लेकिन इतनी बड़ी लापरवाही है इस पर कोई गौर नहीं फरमा रहा। विकास की खूब बात हो रही है कि बहुत ज़्यादा गांव में शहरों में विकास सरकारें कर रही हैं, तमाम नेता कर रहे हैं, लेकिन ये असली विकास हम आपको सामने दिखा रहे हैं कि किस तरह का ये विकास है। ये दीवारों में दरारें हैं, इसका जवाब कौन देगा। देखो इधर की सर वो तोड़ी वो बिल्कुल वो कल्ली तरफ की वो तोड़ दी सरिया काट ली इसकी हथौड़े मार कर। ये कह रहे हैं कि सरिया भी निकाल ली है, ये तोड़ दी है कल्ली तरफ की इसमें विंडो में। हाँ कल्ली तरफ की छत है कि वो कल्ली तरफ की वो खोल दो ऊपर को देखो छत। ये देखिए अच्छा। हम बरुक्की में एक स्कूल में यहाँ पर मौजूद थे, यहाँ की समस्या को हमने जाना, तमाम तरह की समस्याएं हमें देखने को मिली। आगे भी हम ऐसी ही समस्याओं पर हम जनता की आवाज़ को ऐसे ही उठाते रहेंगे। आप बने रहिए DPP न्यूज़ के साथ।